पहुंचे दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, लखनऊ पुलिस ने स्कूल का दौरा करने से रोका। आम आदमी पार्टी ने जब से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तभी से उत्तर प्रदेश बीजेपी नेता और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच बहस तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी राज्य में दिल्ली मॉडल को दिखाकर चुनाव लड़ेगी। यहाँ के स्कूल, यहाँ की शिक्षा, यहाँ के अस्पताल, ये हमारे मॉडल होंगे। इस पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के स्कूल दिल्ली से अच्छे हैं। इसी को हवाला देते हुए दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया आज उत्तर प्रदेश पहुंचे और उत्तर प्रदेश के स्कूल देखने जा रहे थे। इस बीच पुलिस ने उन्हें स्कूल जाने से रोक दिया। पुलिस ने कहा कि आपने परमिशन नहीं ली है, इसलिए आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा। जिसके बाद लखनऊ के पुलिस कमिश्नर और मनीष सिसोदिया के बीच फोन पर ही बहस हो गई। बहस में क्या कुछ हुआ, आइए दिखाते हैं आपको। मैं जा रहा हूँ एक स्कूल देखने। आपके जो शिक्षा मंत्री जी ने, उन्होंने कहा था कि मनीष जी आइए हमारे स्कूल देखने, मैं देखने जा रहा हूँ। नहीं तो मुझे आप लखनऊ में घूमने से रोक लेंगे? क्यों मतलब लखनऊ में मैं फ्री नहीं घूम सकता हूँ? लखनऊ में फ्री नहीं घूम सकता हूँ मैं? मतलब ये अपराधी हूँ मैं क्या कि मैं लखनऊ में फ्री नहीं घूम सकता हूँ? एक शिक्षा मंत्री के बुलाने पर आईडी लगाइए। आपकी अनुमति से जाऊंगा मैं, हाल हो गया। मतलब पुलिस कमिश्नर साहब, आप ये तय करेंगे कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री लखनऊ में आके कहीं जाएगा तो पुलिस कमिश्नर की अनुमति से जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।